हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप सबके सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। ठीक है, विल दे कम बैक इन टू योर लाइफ और नॉट। अब ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ये आपके कोई लवर हो सकते हैं, ठीक है, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, लाइक एक्स वाइफ और हस्बैंड। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में जिस भी पर्सन को लेके ये सवाल है कि वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं, आप उनके लिए इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, दिस रीडिंग इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, जेंडर लेस रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर की है इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी मंथ हो, किसी भी ईयर, चाहे वो किसी भी मंथ हो या किसी भी ईयर, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, एंड जनरल रीडिंग है तो आपके साथ रेजोनेट होती है, आप इसे रखिए, रेजोनेट नहीं होती है तो आप इसे जाने दें। ठीक है, तीन ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आप किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, आप चाहे तो नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी रीडिंग को देख सकते हो। इट मीन्स दैट कि आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो उस पर्सन का नाम किस अक्षर से स्टार्ट होता है तो आपको ऑप्शन में देखना है। ठीक है, और वो डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आ जाएगी, नेम इनिशियल्स डिस्क्रिप्शन में। जिस भी ऑप्शन के आगे आपके पर्सन का नेम इनिशियल नज़र आ रहा है उस ऑप्शन को आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग। दिस इज़ ऑप्शन नंबर वन, ये वाले कार्ड है ऑप्शन नंबर वन के लिए। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रही है, कार्ड अच्छी लग रही है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर टू के लिए। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रही है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर थ्री के लिए। वीडियो को पॉज कर ले एंड आराम से देखिए कि आपको कौन सी ऑप्शन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, उसको आप सिलेक्ट कर लें। जब आप सिलेक्ट कर लेते हो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, क्लिक करके आप अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है, सिक्स ऑफ कप्स। लेट्स सी, जिस पर्सन के बारे में आप सोच के इस रीडिंग को देख रहे हो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। ठीक है, लेट्स सी हमें क्या पता चलता है। तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो वो पर्सन कोई फायर साइन हो सकते हैं, या इस पर्सन का जो बर्थ डेट है वो जून में आ, सो ये पर्सन एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कैन बी समवन जिनका बर्थडे जो है वो आता है जून में। ठीक है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑल्सो मंथ ऑफ ऑगस्ट कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू, या फिर इस पर्सन का जो बर्थ डेट है ना वो 28 को आता हो, वो भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ही आउटगोइंग है, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ही चार्मिंग है, एंड ये पर्सन पर्सनालिटी की बहुत ही मैग्नेटिक है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन इस पर्सन की तरफ होता है, या ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ऐसी पर्सनालिटी मुझे दिख रही है, बोल्ड, हेल्पफुल, लोगों की मदद करने वाला। ठीक है, एंड हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपकी बहुत ज़्यादा मदद की हो, या बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन टॉकेटिव हो सकता है, बहुत बात करता हो, ऐसी पर्सनालिटी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। ओके, एंड हो सकता है इस पर्सन, इवन दो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव है, बट ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन के सामने बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाते हो, या आपकी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी पास्ट में। ठीक है, मतलब बहुत कम बात होती थी जब भी आप मिलते थे। ओके, एंड यहाँ पे पास्ट लाइफ आया है, तो हो सकता है ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ इन द सेंस ये वाली लाइफ नहीं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका इस पर्सन का। ओके, एंड आप बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस फील करते हो, इवन दो बहुत बार आप लोगों की रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज भी आई है। ठीक है,
एंड जो भी रिलेशन है आपका इस पर्सन के साथ उसमें डिफ़िकल्टीज आई है या बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बहुत कम बातचीत करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे हम किसी से रोज़ मिलते भी हैं तो बहुत कम बात होती है, वो वाली यहाँ पे एनर्जीज है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस पर्सन को करेंटली आप या तो स्टॉक करते हो, ठीक है, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में, बट इनके साथ कांटेक्ट आप बनाने की कोशिश करते हो या इनके बारे में आप जानने की कोशिश करते हो। ठीक है, और ये ऐसा हो सकता है कि आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखते हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, जैसे आप नहीं चाहते कि ये पर्सन जाने कि आप इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सो ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे द टावर है, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ वैंड्स। हो सकता है ये पर्सन रिलोकेट कर गए हो, ठीक है, लाइक किसी दूसरे स्टेट, कंट्री, सिटी में मूव कर गए हो। उससे पहले आप लोगों के बीच में कुछ यहाँ पे फैमिली को लेके इश्यूज हुए थे। ठीक है, ये आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, ठीक है, या इनकी न्यूज़ आप तक पहुँचती है, इनकी खबर आप तक पहुँचती है, या जैसे कि मैंने कहा आप इनको स्टॉक करते हो, इनके बारे में जानकारी आपको मिलती है, इनके फ़ोटोज़ आप देख पाते हो, एंड उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो उस पर्सन को, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एंड आप इनसे वापस मिल पाओगे कि नहीं, आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है विद दिस कार्ड, एंड ये मेजर अरकाना का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो पास्ट में जो भी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया था, आपके पास बहुत सारी मेमोरीज़ है इस पर्सन की, एंड यस, आप लोगों की सिचुएशन जो है ना वो इम्प्रूव होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, एंड हो सकता है ये आपकी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो भी हो सकता है यहाँ पे, एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है, ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे, इनके साथ आपका कुछ ना कुछ अभी भी आपकी डेस्टिनी में है, और इस पर्सन की भी डेस्टिनी में है कि आप लोगों को मिलना है, एंड आप लोगों के बीच में और भी इवेंट्स होने हैं। ठीक है, सो दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक इन टू योर लाइफ, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और जब ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, बिकॉज हो सकता है थोड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं। ठीक है, जब भी ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आते हैं, थोड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो सकती है, या बातों बातों में नाराज़गी जाहिर हो सकती है, तो उस वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बट अगर हम बात करें कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं, तो यस, यहाँ पे आप लोगों को जवाब दिया जा रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है, और आपको उस टाइम पे बहुत तो नंबर 10 10 इस तरह का नंबर नज़र आ सकता है। यहाँ पे अगेन एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सो यस, यहाँ पे फिर से नंबर 1 का कार्ड है। ओके, कैन यू सी दैट, यहाँ पे फिर से नंबर 1 का कार्ड है। ओके, सो आप लोगों की न्यू साइकिल जो है वो स्टार्ट होगी, और ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे। आप लोगों का जैसे कि मैंने कहा, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में अभी भी लेन देन बाकी है, कार्मिक अकाउंट्स बाकी है। ठीक है, सो यस, ये पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न होके वापस आ रहे हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है? टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आपको इस सिचुएशन बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये पर्सन जब भी आते हैं तो आपको नाराज़गी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव द एम्परर, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। उनके अंदर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के कंपैरिजन में ये आप जो है वो थोड़े मैच्योर हो। ठीक है, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जीज ज़्यादा है, यानी कि आप इमोशनल ज़्यादा हो, या बहुत सेंसिटिव हो, या फिर चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हो, हैंडल कर पाते हो, इमोशनल हो। एंड ये पर्सन जो है वो थोड़े से आपके एनर्जीज से अपोजिट हो सकते हैं, थोड़े से अपनी चलाने वाली हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दैट आपको अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रखना है। ठीक है, विद द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको चीज़ों को सोच समझ के डिसीजन लेना है। ठीक है, जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आते हैं, लेट मी टेक वन मोर कार्ड, यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स है। सो जब भी ये पर्सन आएंगे, थोड़ी सी और भी डिफ़िकल्टीज़ या कोई पुरानी बात बाहर आ सकती है उस चीज़ को लेके। यस, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स है एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स है। तो ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में वापस आएंगे, तो इनका जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है,
और आपको इनके वापस आने से थोड़ी सी कुछ पुरानी बातें याद आ सकती हैं, थोड़े और आप तकलीफ़ में जा सकते हो, बट अल्टीमेटली विद दिस कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों के लिए कुछ बुरा नहीं होगा इनके आने से, ओके। एंड इस पर्सन का बिहेवियर नहीं चेंज हुआ है, ये जैसे थे वैसे हैं, एंड हो सकता है ये अपनी चलाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव दिस कार्ड 9 ऑफ कप्स एंड जजमेंट, बट यस अभी भी फिलहाल आपको इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ क्लियर करना है, एंड आप विश करते हो कि ये पर्सन आपके साथ वापस आए, ठीक है, ये आपके लाइफ में वापस आए, आप ये विश करते हो। सो यस, ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे और आप इस चीज़ को देख के खुश होगे, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें होंगी जो थोड़ा सा आपको तकलीफ दे सकती है, तो वहाँ पर आपको खुद को संभालने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट आई कैन सी हियर फॉर यू, ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, आपको अच्छी लगी है, आपको क्लैरिटी मिली है, मुझे बताएं ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी जिस पर्सन को सोच के आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, ठीक है। लेट्स सी कि हमें क्या पता चल रहा है। वी हैव 7 ऑफ वैंड्स। दिस पर्सन कैन बी समवन जो फायर साइन है, एरीज लियो सैजिटेरियस, और ये पर्सन जो है वो बहुत ही एथलेटिक हो सकते हैं, इनको स्पोर्ट्स काफ़ी पसंद हो सकता है, जिम जाना काफ़ी पसंद हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो लॉयर, जज या लॉ के फील्ड से हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स, ओके। एंड हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग अपने कलीग के बारे में पूछ रहे हो, या इनके साथ आपका काम का लेन देन है, ये आपके कोई फ्रेंड या नेबर में रहते हो वो भी कोई पर्सन हो सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे क्रश वाली सिचुएशन दिख रही है कुछ लोगों के लिए, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है, लाइक कोई क्रश हो सकता है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। एंड यहाँ पे आउटसाइडर है, कोई नेबर हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हो सकता है आप इस पर्सन को लाइक करते हो, ओके। यहाँ पे क्रिएटिविटी है, यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है अपने एक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है, लव रिलेशनशिप मैरिज, एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड के बारे में जानना, वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो दिस पाइल इज़ मोर अबाउट लव रिलेशनशिप या अपने एक्स पार्टनर के बारे में जानना, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू, बहुत ही कम लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है लाइक क्रश वाली सिचुएशन, ठीक है। सो यस, इस टाइम पे जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो वो काफ़ी कन्फ्यूज है, ओके। उनके लाइफ में खुद काफ़ी सारे चैलेंजेस, काफ़ी सारे बर्डन्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड मे बी उनके वर्क में काफ़ी ज़्यादा उनको बर्डन देखने को मिल रहा है, लाइफ में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन देखने को मिल रहे हैं, एंड वो पर्सन अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस टाइम पे वो काफ़ी बर्डन्ड है, ठीक है। उनके ऊपर काम का काफ़ी प्रेशर है, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उनको सॉल्व करनी है, बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करना है, उनको ऐसा फील हो रहा है जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो कि उनके लिए अभी समय जो है ना वो अच्छा नहीं चल रहा है, ओके। मे बी इस पर्सन को प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज को डील करने पड़ रहे हैं, ठीक है, लाइक इनको इनके घर पे जो भी प्रॉपर्टी है, फाइनेंसेस है, उसको लेके थोड़े से इश्यूज इनको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। या तो इस पर्सन का काम जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, या ये पर्सन जॉबलेस है फिलहाल, तो ये सभी इश्यूज इस पर्सन के लाइफ में अभी चलते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। ये पर्सन एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में काफ़ी एज डिफरेंस हो सकती है, ओके। एंड एज आई सेड, कुछ लोग यहाँ पे वाइफ हस्बैंड के लिए अपने देख रहे हो, एंड ये अपने लाइफ में कुछ ये चाहते हैं कि ये काफ़ी ग्रो करें, ठीक है। ये पर्सन, इनकी विश है, इनकी डिज़ायर है, इनकी ड्रीम है, लाइक ये काफ़ी ग्रो करें, ओके। एंड हो सकता है ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। तो ये पर्सन ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे जो इनके लिए सही नहीं है, ठीक है। और ये करियर वाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या तो इन्होंने कोई करियर में कुछ किसी ऐसे पाथ को चुन लिया है जो इनके मन के मुताबिक नहीं है, इनके इंटरेस्ट का नहीं है, तो उस चीज़ को लेके ये काफ़ी कन्फ्यूज है। एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, एट ऑफ सोर्ड्स है,
द चैरियट है, आई विल पुल मोर कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, यहाँ से कुछ और कार्ड्स लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिपीट हुआ है आप लोगों के लिए, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, बॉटम में है होप एंड डिसरप्शन, दिस इज अ कार्ड ऑफ टावर। सो यस, इवन तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसे चांसेस बन सकते हैं फ्यूचर में कि ये पर्सन आसानी से आपके लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है। बट ये पर्सन एक्चुअली में आपकी तरफ वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इनके लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है, या हो सकता है कि कुछ और चीज़ है जो उसको होल्ड करके रखती है जिसकी वजह से ये आपके लाइफ में वापस नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इवन दो इनको काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और इनकी खुद की इच्छा भी है कि ये आपके लाइफ में वापस आए, बट किसी कारण से ये आपके लाइफ में वापस नहीं आ पा रहे हैं, ये मजबूर फील कर रहे हैं या फिर ये काफ़ी चीज़ों में उलझे हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो फॉर यू ऑप्शन नंबर टू आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इवन दो इस पर्सन को काफ़ी मन है, काफ़ी इनकी इच्छा है, ये कभी कभी आपकी तरफ आने की सोचते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करने की सोचते हैं, बट किसी चीज़ से ये बंधे हुए हैं, किसी चीज़ से मजबूर है ये, ठीक है। अब ये कोई भी कारण हो सकता है जिससे ये मजबूर है, और या डिस्टेंस हो सकता है, आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस हो चुका है, तो या फिर फिज़िकल डिस्टेंस, या ये पर्सन काफ़ी दूर रहते हैं आपसे, तो ये पर्सन उस वजह से आपकी तरफ वापस नहीं आ पा रहे हैं। ओके, सो यस, ऑप्शन नंबर टू आई कैन सी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे हैं, बट यस कुछ कॉन्टैक्ट हो सकता है आप लोगों का, लाइक कॉल पे बात हो रही है, मैसेजेस हो रहे हैं, बट पूरी तरह से ये आपकी लाइफ में वापस नहीं आ पा रहे हैं, यानी कि पास्ट में जैसा आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप था वो चीज़ें वापस से आप लोगों की नहीं बन पा रही है, और समवेयर ये ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की इच्छा है बट ये एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ इनको काफ़ी मिल रही है आपकी तरफ आने की, आपके साथ फिर से स्टार्ट करने की, चीज़ों को रिलेशनशिप को फिर से सही करने की या आपकी लाइफ में वापस आने की, बट ये पर्सन उस डायरेक्शन में एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर, ऑप्शन नंबर टू। चलिए आपके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है। यहाँ पे है एट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है डेथ, एंड नाउ वी हैव थ्री ऑफ कप्स। सो आई कैन सी कि आपके सामने आप मूव ऑन करना चाह रहे हो उस कनेक्शन से, या आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन को ख़त्म करके आपको आगे बढ़ना चाहिए अपने लाइफ में, देन डेफिनेटली इस डायरेक्शन में आपको सोचना चाहिए, ठीक है। अगर आपके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी है या आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाह रहे हो, नई शुरुआत करना चाह रहे हो, तो आपको वो चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपके तरफ कुछ ना कुछ बहुत ही स्टेबल कनेक्शन, कोई ऐसा कनेक्शन आएगा, ठीक है, जो काफ़ी स्टेबल होगा, ओके। और इस कनेक्शन से बाहर आपके लिए जो भी चीज़ें आ रही हैं, अगर आप किसी नए डायरेक्शन में जा रहे हो, वो आपकी स्टेबिलिटी के लिए, वो आपको बहुत ही हैप्पीनेस देगी। सो यस, आपको एक नई डायरेक्शन में जाने को कहा जा रहा है और वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एंड हैप्पीनेस लेके आएगी, ठीक है, जो आप डिज़र्व करते हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैसेज है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, सो आप आगे बढ़े अपनी लाइफ में और वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉस्पेरिटी है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, ऑप्शन नंबर टू। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर थ्री, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी जिस पर्सन को सोच के आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं या नहीं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आती है अप्लाई कर सकते हैं, किसी टॉपिक को सजेस्ट करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं या नहीं। पहला कार्ड फाइटिंग का है, ओके। ये पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, आप लोगों की हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए हैं, फिर एक पर्सन ने दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, ओके। यहाँ पे वैसा मुझे दिख रहा है, ये आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे है कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपकी शादी की बात फिक्स हो गई थी, वो भी पर्सन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। नंबर फाइव कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर कनेक्शन, आपके कनेक्शन के लिए नंबर फाइव,
कैन बी इम्पॉर्टेंट एंड यहाँ पे रिलेटिव्स के लिए भी देख रहे हो वैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ओके यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, द मैजिशियन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. दिस पर्सन कैन बी समवन जो गवर्नमेंट जॉब में हो. ये पर्सन कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, टीचर हो सकता है. जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एयर साइंस की यहाँ पे एनर्जी है. आप फायर साइन हो सकते हो, वर्गो हो सकता है कोई पर्सन. एंड ये पर्सन जो है ना काफ़ी आपको लगता है कि जैसे ये काफ़ी रिस्पेक्ट करता है लोगों की. ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लगता है कि ये पर्सन काफ़ी रिस्पेक्ट करने वाला है लोगों की एंड लोग भी इस पर्सन की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं. ठीक है, और उसका कारण हो सकता है कि इस पर्सन की काफ़ी नाम है, काफ़ी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, या ये पर्सन जो है वो बहुत बोलता अच्छे से है. ठीक है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हो सकती है. वी हैव नंबर 5 यहाँ पे दो बार नज़र आ रहा है एंड नंबर 5 इज़ द नंबर ऑफ मरकरी. ओके सो इनकी कम्युनिकेशन जो है ना वो काफ़ी अच्छी हो सकती है. ठीक है, और ये पर्सन मंथ ऑफ मे में बॉर्न हो वो भी यहाँ पे नज़र आता है. नंबर 5 कैन बी इम्पॉर्टेंट. 5th मंथ ऑफ द ईयर इज द मंथ ऑफ मे. सो वैसे ये पर्सन इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड इनकी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी है. ओके बट जब बहुत ज़्यादा ये पर्सन गुस्सा होता है तो फिर बहुत ज़्यादा ये रूडली बोलता है एंड इस वजह से हो सकता है आपको काफ़ी बातें इस पर्सन की चुभी है. हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी काफ़ी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं पास्ट में एंड इस टाइम पे आप लोग ब्लॉक हो या फिर ये पर्सन ब्लॉक है आपसे एंड यहाँ पे आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे या नहीं. ठीक है, सो लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या पता चलता है. नंबर 19 कैन बी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. ठीक है, देखते हैं ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे या नहीं. एंड यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है. थर्ड पार्टी इन द सेंस कि किसी और की वजह से प्रॉब्लम हो गई है. यहाँ पे 4 of Cups है, 5 of Swords. आप इस पर्सन का बहुत टाइम से वेट करते हुए यहाँ दिख रहे हैं. ठीक है, 9 of Cups. कुछ लोग हो सकता है आप इनके लिए विश मांग रहे हो. ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे शादी वाली बात भी हो सकती है. ठीक है, जैसे आपके इनके साथ शादी की बात हो गई थी या शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, डिवोर्स सेपरेशन हुआ या फिर उस तक बात चली गई या करेंटली उस प्रोसेस पे बात हो रही है एंड आप विश करते हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाए. ओके, We have the world. I will take one more card. यहाँ पे Queen of Cups है, 10 of Wands है. So option number 3 यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये person जब आपके life में वापस आएंगे. Yes, ये person आपके life में वापस आएंगे. ठीक है, बट इनके साथ जो आपका रिश्ता है ना वो बदल चुका होगा, बहुत सेंस में बदल चुका होगा. ठीक है, जैसे अगर आपके ये लव पार्टनर है तो इनके साथ आपका दोस्ती का रिश्ता रहेगा. ठीक है, वो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा जितना पास्ट में था. तो ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे बट वो रिलेशनशिप काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा, काफ़ी कुछ बदल चुका होगा उस रिलेशनशिप में. ठीक है, सो यस, जो भी इनके साथ आपका कनेक्शन था आप वापस इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में आ पाओगे. ये पर्सन आपके साथ एक पॉजिटिव नोट पे चीज़ों को शुरू करेंगे बट जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी. ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आ चुके होंगे जो आपके लिए भी भले हैं, इस पर्सन के लिए भी भले हैं. ठीक है, एंड जो आपका पास्ट में साइकिल था वो कम्प्लीट हो चुका है ऑलरेडी एंड बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है इस टाइम पर. इसलिए हो सकता है आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करें, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में ये आपकी एनर्जीज जा रही है कि आप इस पर्सन को अपने लाइफ में वापस चाहते हो, तो ये विश आपकी पूरी होगी. वी हैव दिस कार्ड 9 of Cups. डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे बट आपके भले के लिए, इस पर्सन के भले के लिए चीज़ें जो है ना वो बदल चुकी होंगी बहुत ज़्यादा. रिलेशनशिप आपका ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा. ठीक है, सो यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है. Let's see what else. यहाँ पे fulfillment of wishes है, तो ये आपकी wish है कि ये person आपके life में आए, तो ये आपकी wish definitely पूरी होगी. Patience and planning.
और हो सकता है आप काफ़ी पेशेंस रख रहे हो, काफ़ी वेट कर रहे हो उस पर्सन का। एंड नाउ वी हैव फिर से पेशेंस का कार्ड है, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये आपके लाइफ में 2 महीने में, कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स में आप वापस आएंगे, ठीक है। एंड काफ़ी हैप्पी फील करोगे बिकॉज आपने इस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट किया है। बट एज आई सेड, चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी होंगी। क्या गाइडेंस है आपके लिए? नथिंग इज येट इन स्टोन, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी यहाँ पे। यस, मैंने आपको कहा था ट्रांसफॉर्म होंगी। एंड यहाँ पे मैसेज है म्यूटेबल मून का, ठीक है। तो यस, अगर आपको लग रहा है इस टाइम पे कुछ एक्शन लेना है, तो आपको कहा जा रहा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जो भी इस कनेक्शन को लेके आपको लग रहा है एक्शन लेना ज़रूरी है, तो वो एक्शन आपको लेना चाहिए, ठीक है। एंड आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें फिक्स नहीं हैं। अगर आपको लग रहा है दैट थिंग्स फिक्स हो चुकी है और कुछ चीज़ें बदलेंगी नहीं, तो आप लोगों के बीच में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं। एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की भलाई के लिए है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपके लिए इस टाइम पे क्या गाइडेंस है? लेट्स सी। टर्निंग इन गाइडेंस एंड एडवेंचर। राइट नाउ आपको अपने इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। इस कनेक्शन को लेके हो सकता है बहुत सारे लोग आपको अलग अलग बातें बोल रहे हैं। जितना आने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे। सो इस टाइम पे आपको अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं एंड अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड से, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको। और आप जब भी यूनिवर्स और एंजल्स से कनेक्ट होंगे, आपको डेफिनेटली वो रास्ता दिखाएंगे। और आपके चारों तरफ से जिनसे भी आप पूछ रहे हो उस कनेक्शन को लेके, या फिर जो भी गाइडेंस आप मांग रहे हो, वो आपके लिए इस टाइम पे सही नहीं है, या फिर वो आपके लिए काम नहीं करेंगे इस टाइम पे, ठीक है। तो आपको खुद से खुद की बात को सुनना है, अपने भीतर झांकना है और देखना है कि आपके मन से क्या वॉइस आ रही है, ठीक है। एंड आप प्रे भी कर सकते हो यूनिवर्स से, भगवान से, जिस भी नाम से आप प्रार्थना करते हो, तो उस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हो। इस टाइम पे आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे भी मैसेज है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको किसी भी तरफ नहीं झुकना है, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है, बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। जो भी चीज़ें करो बैलेंस में करो, ओके। एंड इस टाइम पे आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का मैसेज है। सो बहुत सोच समझ के काम करें और अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको। आप मेडिटेशन करें एंड खुद से बात करने की कोशिश करें, अपने वॉइस को सुने, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आप दूसरों की बहुत ज़्यादा सुन रहे हो। इस बीच में आप अपने मन की नहीं सुन पा रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अपने मन से बात करनी है, मन के भीतर झांकना है, क्या चाहते हो आप, क्या सही है आपके लिए, ओके। ऑप्शन नंबर 3। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, आपको अच्छी लगी है मुझे बताएं ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।